नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है? उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बच्चों के रिव्यू भी मुझे मिल रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि जो हमने ज्योमेट्री के वीडियो जब भी डाले, जो हमने प्रॉफिट लॉस के वीडियो डाले, उससे बहुत फायदा हो रहा है और आप अच्छा करके आए भी हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के 192.5 195 स्कोर किया उन्होंने मैथ्स के अंदर, इस बार वाले मेन्स में। अभी प्रॉफिट लॉस जस्ट खत्म किया ही है, मैंने सोचा आज से परसेंटेज की वीडियो अपलोड कराते हैं और बैक टू बैक जितने दिनों वीडियो नहीं भी डल पाई है तो एक दिन दो डाल के उस हिस्से को भी पूरा करेंगे। पर आज से परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज में बेसिक से जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उनकी वीडियो मैं अपलोड करा रहा हूँ। और बहुत जल्दी मैंने कहा था कि लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे, और एक और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कुछ बहुत अच्छी सी चीज़, उसका भी अनाउंसमेंट करूंगा, जिससे आपको पेपर में इंस्टेंट अभी जो 3 महीने बाद पेपर है बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने सोच लिया है कि मैं वही वही कमिटमेंट ज़्यादा करूंगा जो मुझे एकदम 100% श्योर होगा कि मैं कर पाऊंगा। वैसे ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाता मैं पूरे दिन ही हूँ। कभी आज सुबह भी स्पेशल क्लास आपने देखी, 2 घंटे मैंने लिया, जहाँ पे मैंने बताया कि मेंस में जो सवाल आए हैं एडवांस मेंस के कितने अच्छे हैं और उनको कैसे करना चाहिए था, लाइव सॉल्व करके दिखाया। कल सुबह अर्थमेटिक के सवाल करके दिखाऊंगा, तो आप वो स्पेशल क्लास में भी आ सकते हैं। स्पेशल क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। कल जो क्लास होगी सुबह 10 से 12 अर्थमेटिक की, ठीक है। इसके अलावा वो पता होगा, मैंने एक टेस्ट के बारे में बताया था कि अन अकेडमी एक 20 तारीख को मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहा है, जहाँ पे बच्चों को लैपटॉप मोबाइल और ये सारी चीज़ें गिफ्ट में मिल रही हैं, जो रैंकर्स आएंगे और 400,000 रैंक तक भी कुछ ना कुछ इनाम है। वो टेस्ट की डेट अभी चेंज हो गई है और वो हो गई है, 1 वीक आपको और दे रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी करके ये प्राइजेस जीत पाएं। ये 27 फरवरी हमने इसको कर दिया है, यानी एक हफ्ते बढ़ा दिया है। 27 तारीख को ये टेस्ट देना भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि बच्चे का 1 वीक तो वैलेंटाइन में चला गया, वो तैयारी कर नहीं पाए। अगर हमने सोचा 1 वीक बढ़ा देते हैं ताकि ये वैलेंटाइन वाला कंपनसेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए अभी ये वीडियो एंजॉय कीजिए और मिलते रहेंगे। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब आपको मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब देखो, मैंने क्या है ना, यहाँ पे अलग अलग पूछ लिया आपसे। जो कल सवाल पूछा था वो आपको आ गया था समझ? इसमें क्या है कि हमने अलग अलग दे दिया, एक में 20% आया और एक में 30% आया कर मुक्त। ऐसा अभी तक आया नहीं है सवाल, लेकिन आने को आ सकता है। महावरत साहब, कैसे हो आप? बढ़िया। नहीं हो पा रहा, हो गया। सवाल ये कह रहे हैं कि इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाई 2,000, टैक्स रेट डिक्रीज बाई 14% टू 12%, पेबल टैक्स इज सेम एज बिफोर इफ इन फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन 20% एंड 30% इनकम इज टैक्स फ्री, फाइंड हिज करेंट इनकम। छः छः क्या? छः सिर्फ? 6,000, 6 लाख? क्या 6 हैं? न्यूज़ चैनल भारती नहीं आया आज? देखो एक बात बताओ आप मुझे, जैसे इसने बोला कि 20% और 30% आय कर मुक्त है, यानी कि पहली वाली स्थिति में 80% आय पे टैक्स लग रहा है और दूसरी वाली स्थिति में 70% आय पे टैक्स लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? अलग अलग पे लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलो बे। ठीक है भाई, पहले वाले केस में 80% पे, दूसरे वाले केस में 70% पे। तो 70% पे कितना टैक्स लग रहा है? 14%। और इस पे कितना टैक्स लग रहा है? 12%। ये टैक्स का रेशियो है, परसेंट का रेशियो बेसिकली टैक्स के। तो कितना है ये? कट पिट रहा है कुछ नहीं?
14 5 17 16, 4/3 आ रहा है ये रेशियो। तो जो इनकम का रेशियो है वो इसका उल्टा होगा, 3/4 होगा। कितना बढ़ेगी इनकम? एक एक की वैल्यू कितनी है? 2000। तो 3 की कितनी होगी? 6000। 6000 आ रहा है मैम। आप समझ रहे हैं इस बार मैंने क्या किया कि भाई परसेंटेज है 14 और 12, लेकिन पहले वाले केस में 80% इनकम पे टैक्स है। तो 80 गुना 14% और ये 70 गुना 12% कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से जो रेशियो आया वो इनकम का उल्टा रेशियो होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो हमारे पास एक ही तरीका है। हमें कैसे करना पड़ेगा, देखिए, एक्स का पहले वाले केस में कितना? 80% का 14% बराबर एक्स प्लस 2000 का 70% का 12%, यही होगा दोस्त, होगा। तो का से का और 14 से 5, 5 से 16, 4 से 3, तो एक्स कितना आ गया यहां से? 6। इसमें तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। 80% इनकम का 14%। अभी गई आवाज या नहीं? पता नहीं यार क्या था? देखो, हाँ, करंट इनकम पूछिए ना, वर्तमान आया तो 4 की वैल्यू निकाल देंगे। ये तो रट लेते हैं ना, तो कल से पुरानी इनकम निकाल लें तो अभी पुरानी निकाल दे। सीआई कितनी होगी? 8000। करंट इनकम पूछे ना, बाद वाली 4 की वैल्यू पूछी है, 3 की नहीं। जो आपने स्टेटमेंट दिया बहुत ही गलत था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कभी। फ्लो फ्लो में निकल गया, ऐसे बोलो ना, ऐसे करो कि आने दो तूफान, 3 4 मर जाएंगे और क्या होगा, कोई नहीं मरेगा, समझ गए? अपना देखो तुम, क्योंकि आंधी आएगी तुम भाग भी नहीं पाओगे। बाकी तो आंधी आती है तो लोग हवा के बहाव से घर में घुस जाते हैं जबरदस्ती, ना भी चाहें तो। तुम पे तो वो भी फर्क नहीं पड़ना, एक बार गिर गई तो उठ सकती नहीं, एक बार गिर गई तो उठ सकती नहीं। अपना देखो तुम, समझ गई? क्रेन वगैरह ही मंगवानी पड़ेगी, इतना भी कुछ नहीं है क्या? ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकम 80% थी, 80% गुणा 14%, 70% गुणा 12 बराबर 4/3 आ गया, उल्टा हो गया, क्योंकि अब की बार 100% इनकम पे नहीं लग रहा। नहीं, पहले तो हम अगर 100 मानते थे 100 पे 14 14 हो जाता था, 100 पे 12 12 हो जाता था, तो हम कह देते 14 और 12 का अनुपात ले लो। लेकिन अब की बार 100 100 नहीं था, एक जगह 80 था, एक जगह 70 था। सिंगर साहब, आप समझ गए? ठीक है, सवाल नंबर 12। अब की बार देखिए, इन्होंने इनकम का ही रेशियो दे दिया, अब क्या करेंगे? रेशियो इनकम का ही दे दिया, तब क्या होगा? हाँ जी, क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अब की बार कर इक्वल नहीं है। जो अब तक हम तरीका पढ़ रहे थे, उसमें क्या होता था कि कर इक्वल था। एक बार खोलना मुखर्जी नगर, खोलना संजीव, वहां आवाज नहीं जा रही, बच्चा कैसे समझेगा बात को? एक बार खोलो तो मुखर्जी नगर, वहां ऊपर दीपू हमारी कंपनी का ऐसा एम्प्लॉय है कि इसके पापा ने इसको बर्थडे पे बाइक दी है। हाँ जी, मुखर्जी नगर वालों, आवाज, अरे देखेंगे अभी, ये तो रुक गई इनकी वीडियो, जहां पे थे वहीं अटक गई भाई। कह रहा हूँ आवाज ना आ रही, नहीं आ रही। ओहो, सो सैड, सो सैड। जब दीपशिखा जी हैं वहां पे, तब भी इतनी दिक्कतें चल रही हैं, बताओ। ये हमारी कंपनी की सबसे एम्प्लॉय, जब कंपनी बनी भी नहीं थी उससे पहले इनको हायर कर लिया गया था, सोचा था कि कुछ ऐसा करेंगे तब। अभी आवाज आई, आवाज आई,
आवाज गई। वो लालू का आपने वो वाले वीडियो देखा है जिसमें वो मोदी की मिमिक्री करता है, बड़ा गजब तरीके से, बिजली आई बिजली गए। मोदी वा वो लालू वाज औसम नेता, लेकिन उसका करप्शन वाला पार्ट अगर लाइफ से हटाया जाए, लेकिन जो कि बहुत गलत है, सब करता है हल्का फुल्का करप्शन। अच्छा, मतलब यू आर द फैन ऑफ लालू बेसिकली। हाँ, बहुत बढ़िया आदमी लगता आपको लालू। कह रहे हमारे पापा भी गलत बोले तो हम बोल देंगे कि गलत है। नहीं भाई, पिता अगर गलत कर रहा है तो गलत नहीं बोलेंगे आप। भगवान राम ने कहा था रामायण में कि पिता अत्याचारी क्यों ना हो गया हो, दुनिया उसे त्याग क्यों ना चुकी हो, लेकिन पिता पिता है। समझ रहे हैं आप? आपको नहीं पता कि इमोशनल नहीं होना। चलो चलो सवाल पे आओ। तो मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ पिता के लिए, मेरा इसलिए पिता बनने की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। भुगतान के कर का अरे है तो है, अगर किसी की है इसमें कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती। आपकी भी कोई ना कोई ख्वाहिश होगी जीवन में, मेरी है, मेरे लिए ड्रीम है। आज तुम थे नहीं, सुनो तो, आज तुम थे नहीं इस क्लास में। कौन सा था वो जो 1 बजे वाला शो हुआ है, उसमें क्या क्या समझाया गया पूछना इन बच्चों से। हाँ समझाया कि नहीं, कितने अच्छे से बताया है, पूरी क्लास ने शांत होकर सुना है क्या है जिंदगी। उसके रिकॉर्डिंग नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप पर्सनल 1-to-1 देखें ज्यादा सही है। बहुत मुश्किल से हमने शर्म को अलग रखते हुए समझाया है। हाँ समझ गए। देखो भाई, 15% और 18%, ये परसेंट का रेशियो। अब मैं ये कह रहा था कि अभी तक हम ये तरीका तब लगा पाते थे जब टैक्स बराबर होता था, लेकिन अभी टैक्स बराबर नहीं है। अच्छा, अगर मैं टैक्स बराबर करना चाहूँ तो आप बोलेंगे पहले वाला टैक्स अगर दुगना हो जाए और बाद वाला 3 गुना हो जाए तो बात बन जाएगी कि नहीं? तब तो दोनों टैक्स इक्वल हो जाएंगे अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले वाला टैक्स दुगना हो जाए, क्या उसकी रेट को दुगना करने से ऐसा नहीं होगा? हो जाएगा। और इसकी रेट को तिगुना करने से बाद वाला टैक्स 3 गुना, यानी कि अगर रेट इतनी हो जाए तो सवाल पता क्या रह जाएगा कि टैक्स इक्वल है, इनकम पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैंने टैक्स को इक्वल बना दिया। तो अब ये रेशियो कितना आ गया, 5/9। तो टोटल इनकम का रेशियो कितना होगा, 9/5। कितना कम हो गई, 4 का वैल्यू 3000, 9 का 6750, यही उत्तर है। आपको लगाना है दिमाग, एक चीज अगर आपको सिखा दी गई तो उसके बाद आपको बाकी दिमाग लगाना है। भाई बात क्यों कर रहे हैं आप? हाँ एक बार और। अच्छा आप ऐसा करिए ना, अगर आपसे ऐसे नहीं हो पा रहा तो आप नॉर्मल तरीका लगा दीजिए कि भाई टैक्स कितना होगा पहले वाले केस में, x का 15%, ऐसे कर लीजिए आप ना, बटे 3000 रुपये कम हो जाती है, x-3000 का 18% बराबर 3/2, ऐसे कर लीजिए आप।
और आपको बताएगा दोनों केसेस में 29% आए टैक्स फ्री है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैंने ऐसे बताया, बहुत अच्छा तरीका जानना है आपको। चाय पी के आया था, फट गई पेट में, फट जाती है कई बार। अरे से पनीर तो नहीं बनेगा, पानी भी डाला हुआ था चाय में। ये पीछे कौन बच्चा खड़ा है भाई, आर यू स्टूडेंट? अच्छा, अरे उम्र से लग नहीं रहते, कोई नहीं, टेक रेस्ट, चाय पिलवा भाई इनको। हमारे एक अभी 44 साल के नए स्टूडेंट बने हैं अभी सुबह सुबह। भाई साहब क्या बॉडी और क्या पर्सनैलिटी है उनकी, 17 साल आर्मी में नौकरी करके, सुबह वाले बैच में कल से आएंगे 11:30 बजे। बहुत तगड़े स्मार्ट बंदा है वो, 43 ईयर्स ओल्ड, 3 बच्चे बड़े बड़े, पहला 10वीं में पढ़ रहा है देखो। देयर इज देसी घी एंड सुगर इन योर माउथ। अरे बोली सुना आप, देसी घी में मुंह में शक्कर और वो सब डाल, वही इंग्लिश में बोला भाई। देखिए 15% और 18%, 15% और 18%, ठीक है। हमने कहा कि ये तरीका हम तब लगाते थे जब टैक्स इक्वल होता था, लेकिन अभी टैक्स इक्वल नहीं है, 3:2 है। तो मैंने कहा इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने बोला पहले वाले को दुगुना कर दें, बाद वाले को तिगुना, तो ये इक्वल हो जाएगा कि नहीं? तो हमने इसको 2 से गुणा कर दिया और इसको 3 से, ताकि इसको 2 से करेंगे और इसको 3 से इक्वल हो जाएगा। पहले वाले टैक्स को दुगुना करना है बेसिकली, और दूसरे वाले टैक्स को तिगुना करना है। तो इसको दुगुना करने के लिए 2 से गुणा, इसको 3 से, तो कितना आ गया, 5/9। ये ऐसा आपके दिमाग में अब आ रहा है हल्का हल्का धीरे धीरे कि नहीं? हाँ ये सीखना पड़ेगा आपको, हाँ सीखना पड़ेगा, सीखना आपको भी, टीचर बनना है गुरु जी कल, सीखना पड़ेगा कल को, इनको भी बनना है, हाथ मिला लीजिए दोनों, ये भी बनना चाहते हैं भाई साहब। अब देखिए कितने सभ्य आदमी है, आप भी सीखिए इनसे कुछ, समझे? ये सवाल कौन सा था, 11 नहीं 12 था, इसमें इस स्लाइड में कौन सा था, 12, तो 13 होगा। बहुत गजब सवाल और बहुत आसान सवाल आपकी कॉपी के ऊपर लटका हुआ है, देयर इज हैंगिंग ए क्वेश्चन ऑन योर कॉपी। बताइए आप लोग बीटेक करे हुए इतने साल हो गए, चलो आपने क्वेश्चन लिखा है तो लिखते लिखते समझ में नहीं आया, हम लोग लिखते लिखते तो डायरियां भर गए, कोई शायरी मुकम्मल ना हुई। बताओ जी, आप बताओ ये क्या नाम है तुम्हारा? अरे जब रूह में उतर जाता है बेपनाह इसका समुंदर, लोग जिंदा तो रहते हैं मगर किसी और के अंदर। हाँ भाई बताएंगे, नहीं हो पा रहा सवाल, एक और है। चलिए ये सवाल बता देता हूँ, आप पता नहीं कैसे ना बड़े बड़े सवालों से डर जाते हैं, बताऊं क्यों? क्योंकि आप पागल हैं। ये कह रहे हैं कि जब पहली संख्या को 125% से बढ़ा दिया जाता है, जब पहली संख्या को 125% से बढ़ा दिया जाता है तो वह दूसरी संख्या से 300 कम हो जाती है। क्या हो जाती है? दूसरी संख्या से 100 300 कम हो जाती है, लेकिन जब पहली संख्या को 150 से बढ़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है। आप एक बात बताओ कि पहली संख्या को अगर मैं 150 बढ़ा रहा हूँ, 150 बढ़ा रहा हूँ, मान लेते हैं, अभी मैं जो समझाने के लिए ना आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि जैसे मान लेते हैं एक संख्या एक्स है, तो आपने इसको 150 बढ़ाया, 150 प्लस एक्स किया, तो ये इस वाली संख्या से 200 कम है, तो यानी कि ये कितनी है, एक्स प्लस 350। बोलो मानते हो नहीं? तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 350। सिंपल सी बात है, अगर ये पूछा गया होता इस सवाल में कि पहली और दूसरी संख्या का अंतर क्या है, तो जवाब हो जाता क्या, 350। हो जाता है नहीं?
लेकिन हमसे पूछा क्या गया, इसने बोला जब पहली संख्या को 125% से बढ़ा दिया जाता है तो वो दूसरी संख्या से 300 कम हो जाती है। आप मुझे बताओ कि दोनों संख्याएं एक दूसरे से कितना कम है, आप खुद ही बताओ। तो आप बोलेंगे जी इससे 350 कम है, लेकिन जब मैं इसमें 125% बढ़ा देता हूं तो ये कितना कम रह जाती है, 300। इसका मतलब 125% 50 है, बोलो मानते हो कि नहीं भाई, 50 बढ़ गई वो संख्या। अगर कोई संख्या किसी से 300 कम हुई है, इसका मतलब है कि वो हमने कितनी बढ़ा दी, 50 बढ़ा दी। आप यहां पे भी देख सकते हो, अगर आप ये चाहते हो कि इससे कोई संख्या 300 कम हो तो कितनी होगी वो, x प्लस 50। तो ये इससे कितना बढ़ रहा है, 50, और सवाल में दिया हुआ है कि 125% बढ़ रहा है। ये मैं एक्स लेके तो आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। बोलो जी, हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या का 125% 50 है, तो 100% कितना होगा, 40, क्योंकि हर 25-25% 10-10-10-10-10 हो जाएगा। अजू भाई, तो 10-10-10% कितना हो गया, 40 हो गई। यानी कि ये वाली संख्या 40 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी अगर पहली ही है तो, दूसरी आपको पता है वो 350 ज्यादा है, तो कितनी होगी, 390, और दोनों का जोड़ पूछ रहा है सवाल में, 430। कोई बच्चा चाहता तो मौखिक कर लेता इस सवाल को, आप सवाल को समझना ही नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। व्हाई बिग बॉस, करो करो करो, एक बार और समझाते हैं फिर एक्स लेके समझाते हैं। मुकम्मल सी लगती है ये जिंदगी, शिकायत की कोई वजह ही नहीं, दाद दीजिएगा दरभंगा वाले भाई साहब। मुकम्मल सी लगती है जिंदगी, शिकायत की कोई वजह ही नहीं, मेरे हम सफर तुम सफर हो, मुझे रास्तों की जरूरत ही नहीं। पर्ची आ रही थी सुबह, मैं तो जो अच्छी होती है वो जिम में रख लेता हूँ, शाम तक अपना मनोरंजन होता रहता है। ये कानपुर वाले भाई साहब ने लिखा था, जिनकी मम्मी आजकल आई हुई है रिश्ता लेके, एक मिशन नितिन क्या हाल चाल है, बढ़िया। अब आवाज जा रही है भी उधर मुखर्जी नगर, नहीं गई, ये स्थिति है, ये मैनेजमेंट है, हमारे तो मैनेजर की अति पते नहीं, कहाँ है मैनेजर, कहाँ है आजकल, वेयर इज द मैनेजर, घर पे। तो मुखर्जी नगर के बच्चों को वापस भेज दिया क्या अब, है कोई दिक्कत तो रानी है मुखर्जी नगर का, हाँ जी। चलो देखिए, दोबारा से इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ने ये कहा कि पहली संख्या को 125% बढ़ा दें तो ये दूसरी संख्या से 350 कम हो जाती है, और यदि पहली संख्या को 150 से बढ़ा दें तो दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है। तो मैंने देखा कि जब एक्स को आप 150 से बढ़ा रहे हो और ये 200 कम है, इसका मतलब एक्स प्लस 350। मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों संख्याएं एक्स और एक्स प्लस 350 यानी 350 के गैप पे, ठीक है। तो अब इसने हमें क्या बोला, इसने हमें बोला कि ये इससे कितना कम है,
300 कम कब, जब हम इसको 125% बढ़ाते हैं। तो 300 कम होने का मतलब क्या है, इससे x प्लस 50 होना, यानी इसको कितना बढ़ा रहे हैं 50, और इन्होंने बोला 125% बढ़ा रहे हैं, तो 125% ही 50 है। तो अगर 5 से इसको काट लें तो 25% कितना होगा, 10, तो 100% कितना होगा, 40। तो ये संख्या 40 है, दूसरी कितनी होगी, 390। हाँ 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 तो 4 से 9 होने का मतलब कितना हुआ, 5 बढ़ रही है, सवाल में 50 बढ़ रही है, तो 5 की वैल्यू 50, तो 4 की कितनी होगी, नहीं, मैंने 125% बढ़ाया, कैसी बातें कर रहे हो, आपके हिसाब से भी तो यही है, 4 से कितना बता रहे हो आप, 9, तो कितना बढ़ रही है, 5, 5 की वैल्यू 50, 4 की 40, पहली संख्या 40 आ गई। हाँ तो मैंने 4 से 5 कहाँ किया है, हाँ, नहीं तो यहां से 25% 10 आया, तभी तो मैंने 100% को 40 लिया। आप तो अपने हिसाब से देखो ना, बाकी छोड़ो ये तो मैंने क्या किया, आप तो अपना देखो, आप कह रहे हो 4 से 9 हुई है, तो 5 बढ़ी है, और 5 की जगह 50 है, तो 4 की जगह 40 हो गया। भाई साहब कहीं ना क्या चाहते हो, निकालना तो 100% का वैल्यू पड़ेगा ना, 100 पे 125 का बढ़ना, तो 125, मैं इस 9 को नहीं निकाल रहा, आप इस 9 को भी निकाल लें, मैं सीधे क्या कर रहा हूँ, समझ जाओ। हाँ जी भाई साहब कैसे हैं, बढ़िया, काफी सिंसियर लगते हैं आप पढ़ाई में मुझे, ये नहीं है ना इसलिए। ये कौन सा सवाल था, 14, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कठिन सवाल है। ठीक है, मुखर्जी नगर वाले टेंशन ना लें, क्लास के बाद रिपीट कर देंगे वो जो दो तीन सवाल बताए हैं, नहीं समझ में आए हैं तो। नहीं हुआ, ओके वेरी गुड, तो कम आ रहा क्या आपने, देखो
कोने के पास कुछ सोने के सिक्के हैं जो कि अलग अलग भार के हैं। वह 24 सबसे हल्के सिक्के जो कुल भार के 45% हैं ब्रैनन को दे देती है। वह 13 सबसे भारी सिक्के जो कुल भार का 26% है माया को दे देती है। आए हाय। और बाकी बचे हुए सिक्के बिलियर को दे देती है। बिलियर, तो बताइए बिलियर को कितने सिक्के मिले? देखिए 24 हल्के सिक्के, वो 45% जो वजन है, 45% जो वजन है वो किसके बराबर है? 24 हल्के सिक्के, एच एच फॉर हल्के, ऐसे लिख लो। ठीक है। और 13 सबसे भारी सिक्के जो कुल भार का 26% है, 13 सबसे भारी सिक्के जो कुल भार का 26% है, 13 सबसे भारी सिक्के, नहीं भारी के लिए क्या लगाएं, ये हल्का, सुनो तो इसको बदल, इसको एल और एच ले लेते हैं, लाइटेस्ट और हैवीएस्ट, नहीं एच फॉर हरामी भी होता है, मतलब ये एक मेरे पास वेजिटेरियन गाली है बस, और कुछ नहीं। किसी को देना हो तो मैं यही देता हूँ, अगर बहुत इमरजेंसी कभी आ जाए तो, बहुत रेयर कभी ऐसा हो, गुस्सा का चरम सीमा पार हो जाए, दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट गाली, 13 H। और भी इससे ज्यादा आ जाए तो इससे पहले दर लगा देता हूँ बस। 26% 13 H के बराबर है, तो 45 और 26 के बाद कितना बचा? 29, 29%। अब देखिए एक बात तो तय है कि ना तो सारे सिक्के जो तीसरे वाले बंदे को मिले हैं हल्के हैं, ना ही सारे सिक्के भारी हैं, ये तो तय है, क्योंकि बन ही नहीं पाएगा। देखिए 26% अगर 13 के बराबर है तो 29% 14.5 के बराबर होगा, और सिक्के पॉइंटों में तो हो नहीं सकते, और इससे तो 29 बन ही नहीं पाएगा, बिल्कुल पॉइंटों में ही आएंगे सिक्के। इसका मतलब इन दोनों का मिश्रण है, इन दोनों का मिश्रण है, पहले तो हमने ये तय किया, उसके बाद हमने क्या तय किया कि कौन सा कितना होगा ये देख लेते हैं। तो पता चला जैसे 45% अगर 24 हल्के सिक्कों के बराबर है तो मैं इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, 45 किससे कटती है? 3 से। मैं ये कह सकता हूँ गुरु 15% 8 के बराबर है, मैं ये कह सकता हूँ जी 30% 16, इसके अलावा कोई और सिक्के आ सकते हैं? नहीं भाई, ये केवल किससे भाग लगती है? 5 से। अगर आप सोच रहे हो तो 5 से ये नहीं लगता, इन दोनों से जो भाग लगने वाली संख्या थी वो 3 थी, मैंने 3 से लगा के 2 से गुणा कर ली, तो या तो 15% 8 के बराबर है या 30% 16 के। तो आप खुद बताओ ये 30% तो एग्जैक्ट नहीं है, तो कैसे हो सकता है? तो ना तो 30 वाला हो सकता और ना ही 45 वाला हो सकता, केवल एक ऑप्शन बचता है कि 15% 8 के बराबर है। तो मैंने इसमें से 15% किन को दे दिया? लाइटेस्ट सिक्कों को दे दिया जिनकी वैल्यू कितनी है? 8 है। बोलो अब बचा कितना? 14%। इससे तो कुछ भी निकल सकता था। 26 की वैल्यू देखिए तभी हो पा रहा है जब यहाँ 45 है, ऐसा नहीं कि हर केस में संभव होगा ऐसा। अभी तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, इसमें रीजनिंग लग रही है सवाल में कि इसके अलावा कोई और चारा है ही नहीं। तो 26% 13 भारी सिक्कों के बराबर है, तो 14% 7 भारी सिक्कों के बराबर हो जाएगा, तो सिक्के कितने आ जाएंगे? 15 सिक्के मिले इसको।
ठीक है जी, क्लियर है सवाल? एक बार और बता दें, लास्ट वाली बात। नहीं, हमने ये कहा कि 29% से ना तो सारे भारी सिक्के निकल रहे ना ही सारे हल्के। इसका मतलब 29% दोनों का मिक्सचर है, कुछ हल्के कुछ भारी। तो जब कुछ हल्के लेने ही हैं तो हमने ये देखा कि हल्के में हमारे पास तीन ही ऑप्शन है, हल्का पुलका सुरूर है, तेरी नजर का कसूर है, दीवाना मुझे बना दिया। तो 45% 24 के बराबर है, जो कि ये नहीं हो सकता क्योंकि 45 से छोटा है। 15% 8 के बराबर है, हो सकता है। 30% 16 के बराबर है, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता, 45 और 30 वाला सिर्फ क्या हो सकता है, 15। तो हमने कर दिया इसके टुकड़े, कर दिए दो टुकड़े, 15% और 14%। तो 15% 8 के बराबर है, 14% यहां से 7 के बराबर आ गया, क्योंकि 26 अगर 13 के बराबर है, आधा है, तो 14 कितने के बराबर होगा, 7 के 8 और 7 15 हो गया। बस 15 सिक्के हैं टोटल। आप बताइए क्या भले भाई साहब, आपको आ रहा है समझ? इतने सीरियस में पढ़ाई को लेके कोई और वजह? कोई भी वजह नहीं है, वजह खत्म सारी। वेरी गुड, सीरियस मत रहा करो यार, दुख तो आते जाते रहेंगे, सीरियस क्यों होना। हमारे दरभंगा वाले भाई साहब कहते हैं एक बार जिंदगी मिली है। हाँ जी, एलिगेशन कैसे लगेगा बताइए, इनसे पूछिए भाई साहब से जो ये इधर बैठे हैं, गणित के बेताज बादशाह हैं, गणित का दर्द लफ्जों से बयां कर देते हैं सिंगर साहब। अपने सिंगर साहब आजकल आप रियाज नहीं कर रहे बिल्कुल भी, टाइम नहीं मिल रहा, निकालिए यार, क्योंकि आपका कैरियर इसी में दिख रहा मुझे। अच्छा करेंगे ये भाई भी, अच्छा करेंगे सिंह, हम सब अच्छा करेंगे मिलके, सब एसएससी गणित को आग लगाओ। अगला खूबसूरत सवाल, 15, कितना मौसमी सवाल है ये, मौसमी सवाल समझते हो? अरे मौसम चल रहा है ना अभी चुनाव का, आपको तो बस जूस की पड़ी रहती है, मौसमी जूस। नहीं हो पाया, देखिए आते ही आज मैंने तीन चार कठिन सवाल पूछ लिए, लेकिन ये उतना कठिन नहीं है कि आप हाथ बांध के बैठ गए कि ये भी नहीं होगा। लोगों को लगा ये भी वैसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100% ऐसे सवाल ना होने का मतलब है आपको तैयारी से संन्यास ले लेना चाहिए। 41% एक आदमी को मिल रहे हैं और दूसरे को कितना मिल रहे हैं, 59%। यहाँ पे वोट वैलिड नहीं हुआ और सारे वोट डले हैं, बहुत पहले की बात है। इसका मतलब है कि ये आदमी 18% से जीतेगा और ये 18% से हारेगा, हारेगा। 18% की वैल्यू सवाल में 55-80 दे रखी, तो 1% कितना होगा, 310। 1% अगर 310 है तो 100%,
31,000 होगा, ये उत्तर है। सब ऐसे ही तीर खींचने का ही खेल है जी। अर्थमेटिक में जीरो चुपकाते हैं और एडवांस में जीरो बनाते हैं, यही तो करते हैं कि स्टम्प को जीरो बना लो, स्टम्प को जीरो बना लो। चले आगे बढ़े, अभी रिपीट कर देंगे भाई लास्ट में तीनों सवाल, बीच में ही कर देंगे। हाँ जी, लेटर आया है। कौन सा सवाल था? जो भी सवाल याद रखेगा उसको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है? हाँ, ये सवाल हुआ किसी से? बहुत बढ़िया, सरल सरल सवाल करके आप उछले नहीं। कृपया, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोट का 55% प्राप्त किया और 20% वोट अवैध हो गए, तो कुल 55% हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? देखिए कितना सिंपल सवाल है, 5,500 टोटल वोट है, इसका 20% अवैध हो गए, यानी कि वैध कितने हुए हैं? 80%, और इन वैलिड वोट का एक को 55 मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45। हमारी एक दो बुआ और ताई हैं ऐसे, भाई साहब उनके घर चले जाओ, भैया मैं था बीमार हूं, ऐसे हो, आपके घर में भी होगा कोई ऐसे ना, भाई साहब वैसे बिल्कुल ठीक काम कर रही है सब है, और आप पहुंच के रिश्तेदार आ गया कोई, या किसी से बात करनी है तो ऐसे बैठे, भैया सांस ही नहीं आ रहा। एक दो नमूना तो पक्का आप में से किसी के घर होगा ऐसा, आपके घर है वही। मैंने कहा ऐसे ओवर एक्टिंग वाले लोग क्यों ले रही है, सांस नहीं आ रहा, मर क्यों नहीं जाती, ले क्यों रही है सांस, हमें क्या मतलब। पचपन को 2 से गुणा करेंगे, 110, 110 को समथिंग समथिंग करेंगे, 22 नंबर, 198, 1980। एक सवाल कर दिया तो है ऐसे,
चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, अरे वाह, देख रहे ये सामान खाने के लिए किस्मत है जी अपनी अपनी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बात क्यों कर रही हैं आप जी दोनों सहेलियां? काफी अच्छी निभ रही है दोनों में, साथ में ही कमरा क्यों नहीं ले लेती? वहीं पे बात करें आराम से, यहाँ आए पढ़ाई करें। कोई बात नहीं, आप इनको अपना फोन नंबर दे दो, फोन पे आजकल जियो फ्री है, लेकिन यह है कि दिन में ही बात करना, सामने करोगी तो पता नहीं दीदी क्या सोचेंगी कि कोचिंग क्या जा रही है, पता नहीं फोन पे लगी रहती है, फिर दिक्कत होगी। हाँ भाई, ओए बिना मुंह धो के आने वाले आदमी, देखो इधर, शाबाश, इसकी चॉकलेट पक्की है जी। आप लोगों को सामने खरबूजा वगैरह कटवा दिया करें? नहीं खाना? अरे नहीं, ऐसे मत करो यार, जितने बच्चे आज ठगे गए उनको तो मैं कल पक्का पार्टी दूंगा, मैंने सोच लिया है, जल्दी में था आज लौट गया। देखें, देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर 48% वोट लेके कोई उम्मीदवार जीत रहा है तो वो टोटल का ही जीत रहा होगा, रिमेनिंग का 48 लेके तो जीता ही नहीं जा सकता, सामने वाले को 52 मिल जाएंगे, है कि नहीं? तो 100% टोटल वोटर्स थे, जिसमें 8% ने वोट नहीं डाला, जिनके लिए आज हमने ये प्रोग्राम भी रखा था वोटर अवेयरनेस, इन 8% के लिए, और बाकी 48% दे रहे और 44 रह गए ये, तो ये कितना ज्यादा होगा इससे? 4% की वैल्यू 1100 है, 25 से गुणा कर दें तो 100% की कितनी होगी? 27,500। बताइए कहाँ मुश्किल है? कोई मुश्किल है आप पूछो, अगर कहीं पे आपको डाउट आ रहा है तो बताओ कि ऐसा क्यों कियो भाई।
सीरियसली लाया हूँ, इसके साथ मिक्स हो जाएगा फिर दिक्कत होगी। बिना फोक के खा लो, इतना कोई तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है। खाती दो, दोबारा बताएं भाई। 100% हमने वोटर्स मान लिया, कुछ नहीं होगा। 8% ने वोट नहीं डाला, 48% एक बंदे को मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे? 44%। तो ये कितने से जीतेगा? 4% से। 4% 1100 के बराबर है, 25 से गुणा कर दिए 100%, 2750 के बराबर। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल भैया बताएंगे। शाबाश, आसान है बहुत। कितने हजार? नहीं रहे, तुक्का मत मारो बेटा। 25,000 इससे अगले सवाल का उत्तर है। अगले का भी अगले का है। रोहतक वाले भाई साहब काफी शांत हैं, क्या हुआ? सुबह वाले सदमे में हैं क्या? कौन कह रहा है? मुझे नहीं पता। अज्जू भाई आपका क्या उत्तर आ रहा है? 25,000 आ रहा है। महाभारत 25,000। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, बोले हम नोटा देंगे, नोटा लोटा आ गया हाथ में। कुल डाले गए वोट के 10% वोट अवैध हो गए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट का दिखे। ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना। जैसे मान लेते ये टोटल वोट है, टीवी, टीवी समझते हैं, कई सारे मायने होते हैं टीवी के, टोटल वोट, टेलीविजन, छोटी बीमारी, टीवी। अच्छा ये वाला टीवी नहीं होता, लो हम यही वाला समझते थे, सोचते थे कलर्ड हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ है। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, इसका मतलब 90% लोगों ने वोट दिया और उसका 90% ही वैलिड हुआ है, और इसमें जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड का 54% मिला है, तो हारने वाले को वैलिड का कितना मिला होगा? 46, यानी कितने परसेंट से? 8% से वो जीता है। इसका 8% कितना है? 1620। सवाल में खुद बोले ना 1620 से जीता, तो 8% से जीता, तो इसका 8% 1620। 9 81, 262, 0 से 0 कट गई, 2 से कट गई 4, 4 से 25, एक्स कितना आ गया? 25,000। मुश्किल है ही नहीं,
मुश्किल इस संसार में वो ट्रीवरी बना के छोड़ी ना ऐसे, ठीक है क्या? ट्रीवरी के चक्कर में पड़ी है, कुछ नहीं रखा, ये सबसे अच्छा तरीका है। अरे सीधे सीधे जैसे जैसे बोल रहे हैं टोटल वोट, आप बता भी टोटल वोट टीवी का 90% का 90% का 8% ही 1620 है, तो इसमें काहे का ट्री बनाना? ट्री तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं बनाएंगे, आप इसकी बात करिए। कुछ नहीं रखा ट्रीवरी में, कोई यहाँ कंप्यूटर साइंस थोड़ी चल रही है, उसका डाटा कौन सा टॉपिक होता था? एक डेटा, डाटा स्ट्रक्चर। हाँ उसकी सॉम सीरीज की बुक आती थी ना, एक बढ़िया किताब थी। ये लो इस सवाल का उत्तर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, पहले नरेंद्र मोदी और दूसरे तेज बहादुर। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार, 75% लोगों ने अपना वोट दिया, इसमें से 2% अवैध हो गए, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कुल वैध वोट का 75% था। ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल वोट टीवी कितना परसेंट था, 75% लोगों ने अपना वोट दिया, ठीक है, टीवी का
75%, और उसका 2% इनवैलिड हो गया, यानी कि 98/100 गुणा एक उम्मीदवार को इसका 75% वोट मिला, जो किसके बराबर है, 9-2। देखिए हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, टीवी बराबर 16,800, क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड है। हाँ, अरे तमाम तरीके से हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने क्या कोई ज्यादा देर से किया है? क्या हुआ, ज्यादा बातें सूझ रही हैं? चलो जरा कौन कौन से सवाल थे जरा एक बार जल्दी जल्दी हम देख लें क्या क्या किया हमने। पहला सवाल ये था, हमने कहा था कि भाई इसमें क्या है कि 20% और 30% आय कर मुक्त है, तो हमने कहा 20% कर मुक्त का मतलब है कि 80 पे कर लग रहा है और वो भी 14% है, और हमने कहा कि 70 पे कर लग रहा है जो 12% है, तो हमने 4/3 रेशियो निकाल लिया परसेंटेज का। तो हमने कहा इनकम का कितना होगा, 3/4, तो इनकम कितनी बढ़ रही है, एक एक की वैल्यू 2,000 थी, चार की पूछ रहा था 8,000, ठीक है। हमने कहा अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो कि एक्स के 80% का 14% टैक्स लग रहा है और एक्स प्लस 2,000 का 70% का 12% टैक्स लग रहा है, तो भी यहां से एक्स कितना आ रहा था, 6,000। एक ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि अगर टैक्स का अनुपात 3:2 है, और जो हमने तरीका पढ़ा था परसेंटेज वाला वो ये था कि अगर टैक्स इक्वल है तो ही हम परसेंटेज के रेशियो को उल्टा करके इनकम का बताएंगे, लेकिन टैक्स इक्वल नहीं था, तो टैक्स इक्वल नहीं था तो पहले वाले को 2 से और बाद वाले को 3 से गुणा कर दें तो टैक्स इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही हमने किया कि अगर हम पहले टैक्स को दुगुना करना चाहते हैं तो रेट को दुगुना कर दिया, और दूसरे टैक्स को 3 गुना करना चाहते हैं तो रेट को 3 गुना कर दिया, तो अनुपात कितना हो गया, 5/9, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 9/5, कितना कम हो गया, 4, 4 की वैल्यू 3,000, 9 की कितनी आ गई, 67,50। एक ये सवाल था। इसके बाद एक सवाल ये था, बताऊं भाई, ये कह रहा था कि एक संख्या को 150 बढ़ा दिया जाए, यानी एक्स प्लस 150 कर दिया, तो ये दूसरी संख्या से 200 कम है, यानी दूसरी संख्या कितनी है, एक्स प्लस 350। वो आपने बनाई है, ठीक है। तो ये पता चल गया हमें कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 350 है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हम पहली संख्या को 125% बढ़ाते हैं तो ये इससे 300 कम हो जाती है, जो अभी 350 कम है, 300 कम होने का मतलब है कि हमने पहली संख्या को 50 से बढ़ा दिया, यानी जो 125% है वो 50 के बराबर है, तो 25% 10 के बराबर आ गया, 100% 40 के, तो एक संख्या 40 आ गई, दूसरी 350 हो गई, दोनों का जोड़ 430 है, ठीक है, खत्म।